आप देख रहे हैं निजाम टीवी और मैं हूं राबिया अफजल। इस वक्त मैं मौजूद हूं डीएचएफ A6 में और मेरे साथ मौजूद हैं जफर स्टेट के सीईओ आदिल लतीफ साहब। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर आप ये बताइएगा, आपने अपने कैरियर का आगाज़ कैसे किया? मैंने तकरीबन कुछ साल पहले अपने कैरियर का आगाज़ किया। मेरे भाई हैं, दोस्त हैं बड़े, जफर भाई, उन्होंने तकरीबन 11 साल पहले जफर स्टेट की बुनियाद रखी थी और उसके बाद उनकी अभी बहुत सारी ब्रांचेज हैं कनाल गार्डन में, चिनार बाग में, और अभी हमने सोचा कि THA के अंदर ना हम अपनी एक ब्रांच ओपन करें, तो वो अभी हमने ओपन की है और तकरीबन कुछ साल पहले ही मैंने उनसे काम स्टार्ट किया था उनके साथ। स्पेशली बहुत अच्छे हैं इस फील्ड में, तो उनको देख के एक उनको आगे रख के हमने इस पर चलने का फ़ैसला किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कुछ मंथ्स पहले हम यहाँ पे आए थे और DHA ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है और बहुत अच्छा रिस्पांस क्लाइंट्स का आ रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे हमारा सेटअप। सर आप इस शोबे से कब से मुंसलिक हैं? तकरीबन 4 साल हो चुके हैं मुझे शोबे में आए हुए। और आपका शौक था या आप हादसाती तौर पर आए? शौक एक अलहदा चीज़ है, लेकिन शौक के साथ जब आपका एक शौक हो बन जाए, शौक को अगर कारोबार में ले आए तो वो चीज़ एक आपका ज़िंदगी में बहुत अच्छा रहता है, आगे चलता है, आपकी ज़िंदगी अच्छी चलती है उससे। तो इसी तरह ही मेरा भी शौक़ था और बिज़नेस का भी शौक़ था, उसी को देखते हुए मैंने अपने शौक़ को आगे लेके आया और इस स्टेट के रियल स्टेट के काम में आने का फ़ैसला किया 4 साल पहले, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो काम मेरा बहुत अच्छा चल रहा है और मेरा जो शौक़ था वो मेरा कारोबार बन गया। सर आप ये बताइएगा DHA में कितने फेसेस हैं और आप किस किस फेस में काम कर रहे हैं? DHA में टोटल 13 फेसेस हैं और हम सारे फेसेस में डील कर रहे हैं। इस टाइम हमारा ऑफिस DHA 6 में है और यहाँ पर हमारे जो वेल ट्रेंड जितने भी हमारे लड़के हैं सब उन पर वर्क कर रहे हैं, A to Z हम सब चेक करते हैं, जितने भी फाइल्स हैं, प्लॉट्स, घर, सब की डील्स करते हैं। सर ओवरसीज़ पाकिस्तानी DHA में क्यों इन्वेस्ट करें, यहाँ पर ऐसी क्या बात है? इनका मेन रीज़न ये है कि DHA से ज़्यादा सिक्योर प्लेस आपको नहीं पाकिस्तान में मिलेगी, तो इसी को देखते हुए हर बंदा DHA के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए राज़ी हो रहा है और आ रहा है यहाँ पर DHA में इन्वेस्ट करने के लिए। सर मौजूदा गवर्नमेंट जो है रेल सेक्टर के लिए उन्होंने कुछ बेहतरी की है? जी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत बेहतरी की है, जब से उन्होंने ये रेल स्टेट में आपके जो टैक्सीज हैं उसमें उसको ख़त्म किया है और इस चीज़ को आगे लेके आए हैं, तो इन्वेस्टर्स जितने भी थे वो आगे बढ़े हैं और अभी जितने हमारा जितने ही इन्वेस्टर्स थे उस टाइम अब इससे डबल इन्वेस्टर्स हो गए हैं सिर्फ इस चीज़ की वजह से, तो गवर्नमेंट की वजह से हमें काफ़ी हेल्प मिली है इस चीज़ में। सर माशाल्लाह से आप भी यंग हैं, तो आप यंगस्टर जो डीलर्स हैं उन्हें क्या पैगाम देंगे? मैं यंगस्टर्स को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि बिज़नेस में आएँ, बिज़नेस में हमेशा कामयाबी ही है, आप सीखते हैं आगे बढ़ते हैं। जो बिज़नेस हम कर रहे हैं रियल स्टेट का, इसमें आएँ, इन्वेस्ट करें, ख़ुद का काम करें और ऑफिसेज का आगे बढ़ाएं, अपने मुल्क को तरक्की दें, आगे लेकर जाएं, तो बिज़नेस को प्रायोरिटी रखें, फर्स्ट प्रायोरिटी उनके बिज़नेस होने चाहिए जो भी यंग जनरेशन है। सर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आप क्या पैगाम देंगे? ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मेरा यही पैगाम है कि अपने इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान के अंदर यूज़ करें, पाकिस्तान को आगे लेके जाएं, ना कि अपने इन्वेस्टमेंट को, और कुछ लोगों को जो अक्सर बच्चे बाहर की तरफ भागते हैं, दूसरे मुल्कों में भागते हैं, तो उनको चाहिए कि अपने ही मुल्क में रह के अपने मुल्क के लिए काम करें, अपने मुल्क में इन्वेस्ट करें और अपने मुल्क को ऊपर लेके जाएं। जी व्यूवर्स ये थे आदिल लतीफ़, जिनका कहना है कि DHA एक सेफ़ एंड सिक्योर जगह है यहाँ पर वो सेफ़ करने के लिए, और इन्होंने यंगस्टर को एक बहुत ही प्यारा मैसेज दिया कि आप लोग भी जो है ईमानदारी से काम करें और बिज़नेस की तरफ आएँ। इसके साथ ही अपने मेज़बान राबिया अफजल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।